हेलो फ्रेंड, ये गुड न्यूज है उन बच्चों के लिए जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। अब रेलवे ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो निकलने लगा है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखना है। और आपका अगर एप्लीकेशन देखिए इस तरह से एक्सेप्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे एक्सेप्ट के जगह रिजेक्ट लिखा हो जाता है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नोट कर लीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थडे, और इसके बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ 123000ABCD, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 16 अक्टूबर 1989। देखिए ये मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा डाला है उस कैप्चा को डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ 69678। इसके बाद आपको सिंपल सा लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका पेज जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप वेटिंग ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRB फर्दर अपडेट। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो गया है, तो आप भी अपना एप्लीकेशन जो है इसी तरह से देख सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा वो देख लेंगे, और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और फटाफट अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।